Hello everyone, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter A Different Kind of School. So, जो writer हैं वो Miss Beam से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस school में एक अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है. Even उन्हें thoughtfulness, kindness जो हैं mainly उन पर focus किया जाता है और simple study में उनको mathematics है उसमें सिर्फ जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर मैथ से रिलेटेड वो सिखाई जाती हैं. सो ही वॉज वेरी मच सरप्राइज एंड मिस बीम जो हैं उनको ग्राउंड पर लेकर जाती हैं और वो कहती हैं कि आप जो है एक बच्चे से बात करिए जिसका आज ब्लाइंड डेट है. तो ब्लाइंड डे में वो बात करता है तो सबसे पहला क्वेश्चन करता है, डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल. राइटर कहता है कि मैंने उससे पूछा कि कभी झांकने की कोशिश नहीं करते इसमें से. ओ नो शी एक्सक्लेम्ड, वो कहती है अरे नहीं नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो धोखा देना हो गया. बट आई हैव नो आइडिया, इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ब्लाइंड होकर इतना अजीब लगता है. यू कांट सी अ थिंग, आप किसी चीज़ को नहीं देख सकते. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और जब भी आप पाँव बढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि किसी ना किसी चीज़ से आप टकरा जाएंगे. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और जैसे ही आप बैठते हैं तो आपको अंदर से बहुत सुकून लगता है. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि जो लोग तुम्हारे इस ब्लाइंड डे पे हेल्प करते हैं क्या वो काइंड रहते हैं तुम्हारे लिए. फेयरली, वो कहती है हाँ, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी वेन इट इज़ माई टर्न, लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं है मेरे साथ में जितना कि मैं होंगी जब मेरा किसी का हेल्पर बनने का टाइम आएगा. तो दोज दैट हैव बिन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, लेकिन जो पहले ही ब्लाइंड बन चुके हैं यानी कि ब्लाइंड डे गुजार चुके हैं वो अच्छे खासे हेल्पर बनते हैं. इट इज़ परफेक्टली घैसली नॉट टू सी, आई विश आई वुड ट्राई, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये अपने आप को अज्यूम कराना कि आप नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ. शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, राइटर कहता है कि मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं पर ले जा सकता हूँ. ओ यस सी सैड, उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, और आप मुझे जो हैं आसपास की चीज़ों के बारे में बताएंगे. आई शैल बी स्लो सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी जब आज का दिन पूरा बीत जाएगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और दूसरे जो दिन होते हैं जैसे लैम डे है, डम डे है, वो इतने बुरे नहीं होते जितना बुरा ब्लाइंड डे होता है. हैविंग अ लैग tied up and hoping about on a crutch is almost fun, यानी कि एक पैर आपका बांध दिया जाता है और आपको होप करना होता है बैसाखियों के साथ में, ठीक है, वो जो है वो तो उसमें तो थोड़ा फन होता है. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, लेकिन जब आपकी आर्म जो है वो बांध दी जाती है, एक हाथ काम नहीं करता, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप दूसरों की हेल्प के बिना खा नहीं सकते. एंड थिंग्स लाइक दैट, और भी कई सारी चीज़ें. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डी फॉर अ डे, अगर मुझे एक दिन बहरा रहने के लिए कहा जाए तो मैं इतना जो है माइंड नहीं करूंगी. सो आफ्टर दैट जो है एटलीस्ट नॉट मच, इतना ज़्यादा तो नहीं करूंगी. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा हो जाना जो है वो बहुत डरा देता है अंदर से. माई हेड एक्स ऑल द टाइम्स जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मेरा सर हमेशा दुखता रहता है इस चीज़ को सोच करके कि मैं कहीं टकरा जाऊंगी. वेयर आर वी नाउ, फिर वो पूछती है कि हम कहाँ हैं. सो राइटर कहता है इन द प्लेग्राउंड, हम प्लेग्राउंड में हैं. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घरों की तरफ जा रहे हैं. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, मिस बीम जो है वो एक लंबी लड़की के साथ में जो वॉक कर रही हैं गार्डन में, कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ. व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, राइटर कहता है कि वो छोटी सी बच्ची मुझे पूछती है कि उस लड़की ने क्या पहन रखा है. तो अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, तो यहाँ पर जो राइटर है वो उसके कपड़ों के बारे में बताता है. आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है कि वो मिली है. व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है. वेरी लाइट, राइटर कहता है बहुत माइल्ड है. यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, हाँ हाँ वो मिली है, वो इस स्कूल की हेड गर्ल है. देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेट, और एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, रोजेज़ को टाई कर रहा है, रोजेज़ को
लगा रहा है. यस दैट्स पीटर. हाँ हाँ वो पीटर है. ही इज़ द गार्डनर. वो यहाँ का माली है. ही हैज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. वो तकरीबन 100 साल का होगा. एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर. शी इज़ एंड क्रॉचेस. और एक लड़की जो है वो आ रही है, जो कि जिसने आज बैसाखियाँ ले रखी है, यानी कि दोनों हाथों को सपोर्ट करने के लिए कुछ ले रखा है, और उसके जो हेयर्स हैं वो कर्ली हैं. दैट्स अनीता. तो फिर उस बच्ची कहती है कि वो अनीता है. एंड सो वी वॉक डाउन. और इसी तरीके से हम चलते रहे. ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी. और फिर जो है मैंने धीरे धीरे सोचा कि अब मैं जो हूँ ज़्यादा लोगों के बारे में सोचने लगा हूँ जितना कि मैं पहले नहीं सोचता था. आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी. और मुझे ये चीज़ का भी रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैं किसी को लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में बताता हूँ, तो वो लोग मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और मुझे भी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना होगा. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब मैं जाने वाला था तो मैंने Miss Beam से कहा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है यहाँ से जाने में. Ah, she replied, then there is something in my system after all. तो उन्होंने कहा चलिए मेरे सिस्टम ने कुछ तो आपको इफेक्ट किया है. फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिसेस बीम स्कूल. आपको क्यों लगता है कि राइटर जो है वो मिस बेम के स्कूल को विजिट करने के लिए गया. सो द आंसर इज द राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बेम्स न्यू टीचिंग मेथड. सो ही विजिटेड स्कूल टू सी द न्यू प्ले वे मेथड पर्सनली. क्योंकि वो सब चीज़ें पर्सनली जानना चाहता था. द सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट वॉज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले. कौन सा गेम की बात की गई है. सो उनको हर दिन क्या करना पड़ता था. बींग ब्लाइंड डीफ डम इंजर्ड एंड लेम वंस इन अ टर्म इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ गेम एंड ट्रेनिंग. ताकि उनको और भी ज़्यादा थॉटफुल बनाया जा सके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे वन लेम डे. कंप्लीट द लाइन विच डे वॉज द हार्डेस्ट वाई वॉज इट द हार्डेस्ट. वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. बींग ब्लाइंड वॉज द हार्डेस्ट डे. द स्टूडेंट फेल दैट ही और शी वॉज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. क्योंकि ब्लाइंड जो है वो सबसे मुश्किल था. अभी अभी हमने ये चीज़ क्लियर करी है. वॉट वॉज द पर्पज ऑफ दिस स्पेशल डेज. इन स्पेशल डेज के पीछे का पर्पज टू गिव चिल्ड्रेन अ पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्चून. लोगों को पता चले कि मिसफॉर्चून होता क्या है, कैसा फील होता है. दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी. ताकि वो जो सोसाइटी में जब बाहर निकले एज एन अडल्ट तो उनको पता चले कि सबकी हेल्प करनी चाहिए और इस चीज़ के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है. फिर है मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेज दैट मीनिंग इन द बॉक्स बिलो. यहाँ पर ये वाला आपको बुक में करना है. फर्स्ट थिंग कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बॉक्स में उनके मीनिंग है, तो उनको आपको क्या करना है, मैच करना है. तो होमसिक का हो जाएगा वेंटिंग वॉन्टिंग टू बी होम. प्रैक्टिकली का ऑलमोस्ट. इट पेन्स मी का इट हर्ट्स मी. एप्रिशिएट का अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज. थॉटलेस का नॉट एवरी वेरी केयरिंग. एक्सरसाइज का टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ रिलीफ अ वेलकम चेंज. घैसले यानी टेरिबल. देन रिवर्ड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी. कुछ लाइन्स दी गई हैं, हमें इन्हें रिवर्ड करना है. तो द राइटर हैड हर्ड पीपल प्रेजिंग द टीचिंग मेथड्स एट मिस बीम्स स्कूल. सेकेंड वन इज द राइटर फाउंड मिस बीम अ मिडल एज एंड डोमिनेटिंग वुमेन. थर्ड वन इज द ऑथर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सो अ लार्ज गार्डन. एंड द फोर्थ वन इज द चिल्ड्रन हैड टू यूज देयर विल पावर टू कीप क्वाइट. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपको नोटबुक में करनी है. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. इन अवर न्यू वीडियो सेशन वी विल स्टार्ट रीडिंग अ न्यू चैप्टर. थैंक यू एवरीवन.